Welcome back. Good morning, all of you. Myself Anil Pratap Singh. Now is the outline of the upcoming lecture. आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ द बोल्टेड जॉइंट. सभी टॉपिक्स तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट मैंने पहले कहा कि दिस इज द आउटलाइन ऑफ द अपकमिंग लेक्चर. तो स्पेसिफिकेशन फॉर बोल्टेड जॉइंट्स, देन आफ्टर बेयरिंग टाइप कनेक्शंस, तो हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. प्राइंग एक्शंस क्या है, कंबाइंड शेयर एंड टेंशन, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शंस, वर्किंग लोड डिजाइन, दीज आर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन इन द अपकमिंग लेक्चर. तो फर्स्ट वी डिस्कस द स्पेसिफिकेशन फॉर बोल्टेड जॉइंट्स. ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पिच, एज, डिस्टेंस, गेज, ये सब कुछ टर्म जो है स्पेसिफिकेशन में आते हैं. कि मतलब हम स्पेसिफिकेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, कि जैसे सेलेक्टिंग द पॉइंटर हियर. ओके, स्पेसिफिकेशंस का मतलब आप क्या समझते हैं. स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हम किस ग्रेड का ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, या स्टील जो यूज कर रहे हैं तो वो कौन से ग्रेड का है, उसकी डिटेल्स, मतलब ओवरऑल डिटेल्स जो एक्सप्लेन करता है जिस भी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. उसी प्रकार यहाँ पे जब कनेक्शन की बात करते हैं तो बोल्टेड ज्वाइंट का स्पेसिफिकेशन का मतलब हुआ हमारा कि जो बोल्टेड ज्वाइंट्स हम लगा रहे हैं तो कितने नंबर लगा रहे हैं, क्या दूरी लग रहे हैं उनके बीच में. ठीक है, तो इन क्या एज डिस्टेंस रख रहे हैं, किनारों को कितनी दूरी छोड़ रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं स्पेसिफिकेशंस फॉर बोल्टेड जॉइंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव बोल्ट मेजर्ड अलोंग ए रो ऑफ द बोल्ट. ओके, तो देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव बोल्ट. कंसेक्यूटिव बोल्ट्स का मतलब क्या है, एक बोल्ट ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है, और टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स के बीच में, ठीक है, जो रो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इट्स ए क्वार्ट पिच, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट. ठीक है, तो ये हमारी हो गई पिच. ओके, देन आफ्टर एज डिस्टेंस एंड गेज. एज डिस्टेंस जो है हमारी, ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉर्नर पे जो डिस्टेंस मेंटेन, यहां पे भी हमने दिखाया है आपको, ठीक है, इसका सेंटर लाइन है ये, यहां सेंटर लाइन से हम ये कितनी दूरी मेंटेन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस. इट इज द डिस्टेंस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोल्ट होल टू द एडजेसेंट एज ऑफ द मेंबर, वेयर एज द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए बोल्ट टू द एंड ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. ठीक है, तो स्पेसिंग, अगर हम एज डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि एज डिस्टेंस जो है वो एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन जो है उसको फॉलो करें. अदरवाइज जो है, जो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि एज डिस्टेंस की वजह से बहुत सारे फेलियर्स देखे गए हैं, कुछ हमने आपको दिखाया भी था, तो इसका ध्यान रखिएगा कि एज डिस्टेंस जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इन डिजाइन ऑफ द कनेक्शन. देन आफ्टर गेज, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द center to center distance between two consecutive bolts measured along the width of the member or connections. So gauge जो है, देखिए हम आपको इधर से यहाँ थोड़ा explain करेंगे कि ये देखिए center line है bolt का और ये center line है दूसरे वाले bolt का, इसके बीच की जो distance है उसे called gauge. Okay? अब कभी कभी गेज और पिच में कंफ्यूजन भी हो जाता है. वो डिपेंड करता है कि लोडिंग की डायरेक्शंस क्या है. लोडिंग की डायरेक्शंस के हिसाब से गेज और पिच जो है चेंज हो जाते हैं कभी कभी, तो इसका भी हमको ध्यान रखना होगा. ओके, नाउ
स्पेसिफिकेशन फॉर वोल्टेज ड्राइव्स में स्पेसिंग ऑफ बोर्ड प्रॉब्लम लेके होती है कि इस प्रकार हम स्पेसिंग मेंटेन कर रहे हैं बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे फिगर और हम आपको दिखाएंगे स्पेसिफिकेशन फॉर वोल्टेज ड्राइव्स का। जैसे देखिए यहाँ पर इस फिगर में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इस फिगर में क्या है कि एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है ना, इन दो मेंबर्स के ऊपर दो कवर प्लेट लगी हुई है, ठीक है। इस कनेक्शंस को हम डबल कवर, क्योंकि दो कवर लगी है तो हम डबल कवर बोलेंगे, डबल कवर बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होता है, इन टू इन कनेक्शन होता है, यानी दो मेंबर के बीच जो कनेक्शन है वो इन टू इन कनेक्शन है, और एक प्लेट ऊपर लगी है एक प्लेट नीचे लगी है, यानी डबल कवर। अब सेंटर लाइन पे जरा ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, यहाँ पर ये है जहाँ पे इन कनेक्शन हो रहा है वो उसका सेंटर लाइन है। उस सेंटर लाइन के आप लेफ्ट में देखें या राइट में देखें, ठीक है, आप लेफ्ट में देखें या राइट में देखें, तो कितने बोल्ट लगे हुए हैं, कितनी बोल्ट लाइन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप फ्रंट एलिवेशन में देखेंगे जो फ्रंट एलिवेशन में बोल्ट लाइन कितनी है, तो अगर आप देखें आप एक लाइन ये शो कर रही है और एक लाइन ये, इसको हमने नाम दिया डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है ना। तो अगर ऊपर कवर एक ही लगा होता तो हम उसको नाम देते डबल कवर, ठीक है ना, सिंगल कवर। अब वोल्टेज डबल लगे हैं या सिंगल लगे वो डिफरेंट चीज है, यहाँ पर डबल कवर डबल वोल्टेज बट जॉइंट्स हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा डबल कवर डबल वोल्टेज बट जॉइंट्स हो गए। चलिए तो अब हम एक चीज और यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा कि पर और आप हम यहाँ पे इन डिस्टेंस दिखाना चाहेंगे स्पीकर में भी, जैसे इन डिस्टेंस इधर वाले को भी हम इन डिस्टेंस ही बोलते हैं, वो चाहे इधर से आप लीजिए चाहे इधर से लीजिए, दोनों तरफ उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा जैसे कॉल्ड पिच, देखिए आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये पिच दिख रही है आपको, ठीक है। तो इन सभी चीजों का हमको अभी यूज लगेगा। पिच क्या है, दो टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स के बीच की दूरी है, अलोंग ए रो ऑफ द बोल्ट, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ एक चीज और सेकंड फिगर में भी सिमिलरली देखिए, यहाँ पर हमने लैप जॉइंट लगाया है। लैप जॉइंट मतलब एक प्लेट का दूसरे प्लेट के ऊपर कवर लैप होता है, जैसे ये ऊपर वाली प्लेट है और ये नीचे वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट का नीचे वाली प्लेट के साथ कवर लैपिंग हो रहा है, और उस कवर लैपिंग के बाद हमने वहाँ पे बोल्ट लगा दिया। जैसे ये देखिए ये बोल्ट लाइन होगी जिसमें तीन बोल्ट लगे होते हैं, अगर आप टॉप में देखेंगे तो आपको तीन बोल्ट दिखेंगे। इसी प्रकार ये दूसरी बोल्ट लाइन है, ये वाली ये दूसरी लाइन हो गई, पहली लाइन हो गई, ठीक है, दूसरी लाइन हो गई, इसमें भी तीन बोल्ट लगे हैं, और ये तीसरी लाइन हो गई, ठीक है, ये चौथी लाइन हो गई, ठीक है, चार लाइन बोल्ट की है और सभी में तीन तीन बोल्ट लगे हुए हैं। और कौन से पैटर्न में लगे हैं, कि मैंने आपको पैटर्न भी पढ़ाया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, ये क्या है चैन वोल्टिंग का पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट को, ये चैन पैटर्न है, ठीक है ना। चैन पैटर्न में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा, इस तरह सीक्वेंस में लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी जो है आप गेज और पिच को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पिच यहाँ पे ऊपर चला गया, गेज नीचे आ गया, तो ये डिपेंड करेगा कि टोटल टोटली जो है वो लोड की डायरेक्शन कैसी है, उसके हिसाब से पिच और गेज जो है बदल जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मिनिमम पिच, तो आईएस कोड क्या कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पोल्स शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द, ठीक है। तो पिच के लिए जैसे मानिए एक बोल्ट यहाँ लगा हुआ है और दूसरा बोल्ट यहाँ लगा है, ठीक है, तो पिच के लिए अगर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखें तो वो पिच जो है मिनिमम कितनी हमको रखना है,
उसके लिए कहा गया है कि 2.5 टाइम द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द होल, ठीक है, यानी कि 2.5 टाइम्स dn रखेंगे, दैट्स dn मतलब नॉमिनल डायमीटर ऑफ द होल, dn मतलब नॉमिनल डायमीटर ऑफ द होल, n का मतलब हो गया नॉमिनल, इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे dn दैट्स कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर ऑफ द होल, ठीक है। अगर आप बोल्ड्स को 2.5 dn से ज्यादा क्लोज कर देंगे तो भी वहां पे कभी-कभी जो है ब्लॉक शेप या फॉर्मेशन हो जाता है, ये भी हमने ब्लॉक शेप फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो पिच है 2.5 dn से कम ना हो, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट टॉपिक किया है बेयरिंग टाइप्स कनेक्शंस में, तो यहां पर थोड़ा सा हमने आपको दिखाया है कि किस प्लेन में शेयर हो रहा है और किस प्लेन में बेयरिंग हो रहा है। देखिए जैसे मानिए ये दो मेंबर्स हैं और इनके बीच एक वोल्टेज कनेक्शन है, ठीक है, ये मेंबर नंबर 1 और ये हो गया मेंबर नंबर 2, और इनके बीच जो है वो क्या है, एक आपका लाइव जॉइंट है कि बट जॉइंट है, यहां पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, चीज का ध्यान रखना है आपको, मेंबर्स के बीच लाइव जॉइंट है या बट जॉइंट है ये आप देख के समझ जाइए थोड़ा, और यहाँ पर जो है लाइविंग हो रही है एक मेंबर का दूसरे मेंबर्स के साथ में, तो देखिए अगर ये आप इसके ऊपर आप ध्यान देंगे ना, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो यहाँ पर हमारा शेयरिंग फेलियर की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इस प्लेन के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ से स्लाइड्स करेगा और ड्यू टू द शेयर फोर्स देयर इज द शेयरिंग स्ट्रेस का डेवलप ऑन द मेंबर एंड द फेलियर ऑफ टेक दिस, और ये जो है मेंबर्स जो हमारा वर्टिकल दिख रहा है वहां पर ये देखिए ये प्लेन जो है यहाँ पर बेयरिंग के लिए इसकी पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है ना। तो बेयरिंग टाइप्स कनेक्शन हमारा डिस्कस करने का पर्पज ये है कि आप अरे समझ में आए कि बेयरिंग्स के लिए इसका कहाँ पर होता है, ठीक है ना, किस प्लेन पर बेयरिंग के लिए इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे फिगर्स में जो हम शेयरिंग फेलियर बेयरिंग फेलियर जो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बेयरिंग टाइप करेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको समझना है द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज द मिनिमम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन शियर बेयरिंग एंड टेंशन इन प्रेजेंट, ठीक है ना। तो कभी देखिए किसी भी बोल्ट में या तो शेयरिंग होगा या बेयरिंग होगा या हो सकता है कि टेंशन भी होगा, कभी कभी शेयरिंग होगा कभी समटाइम्स शेयरिंग होगा समटाइम्स बेयरिंग होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और कभी कभी टेंशन होगा। तो इन सभी की वैल्यूज को हमको कैलकुलेट करना पड़ता है और ये पता करना पड़ता है कि जो वैल्यू मिनिमम आएगी इन सभी में उसकी उसकी उसके फेल होने की पॉसिबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेम्बर्स फेल हो सकता है, ये हम कभी टारगेट प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऐसा हो रहा है। ये हमने कुछ पॉइंट दिया है आपके पढ़ने के लिए, ये हमारे डिस्कस करने के लिए नहीं है, मैं इसके गूगल से इसको रिफर किया हुआ है, अभी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन की शेयरिंग कनेक्शन बेयरिंग कनेक्शन और टेकिंग कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं शेयरिंग कनेक्शन की। देखिए शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड, द बोर्ड shine shear along the plane of the slips, this means interface, the number of plane along which the bolt can be sheared indicates the number of shear, this means single shear or double shear. तो देखिए जब भी दो members या तीन members connect के बीच connection होगा, statement एक बार बहुत repeat करना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा कि अगर दो member के बीच या तीन members के बीच connection हो रहा है, अगर दो मेंबर्स के बीच कनेक्शन हो रहा है तो वहां पे सिंगल शेयर होगा, अगर तीन मेंबर्स हैं, ठीक है, तो
तो तीन मेंबर्स है तो वहां पे बट ऑब्वियस है कि डबल शेयर होगा, ठीक है। तो इस चीज को पहले आप समझ लीजिए कि सिंगल शेयर कब होगा और कब डबल शेयर होगा और उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फिगर के साथ। जैसे ये एक मेंबर है, ठीक है, और दूसरा मेंबर ये है, ठीक है। अगर इनके बीच हमने एक बोल्ट लगा दिया, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर दो मेंबर है, ठीक है। तो जब भी शेयर को जनरेट होगा वो इस फ्रेम पे जनरेट होगा जहाँ पार्टिकल है, तो यहाँ पे जब भी फेल होगा वो फेल सिंगल शेयर होगा ना कि डबल शेयर पे होगा, ठीक। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब दो मेंबर्स होंगे तो सिंगल शेयर होगा और जब हम मेंबर्स ज्यादा ले लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, देखिए हमने एक मेंबर से लिया, एक कवर पे लगाई, अब देखिए दूसरा मेंबर्स ये लगा दिया और इसके नीचे एक मेंबर और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बोल्ट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक बोल्ट, अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पे मेंबर्स तीन हो गए। जब शेयर फोर्स जनरेट होगा तो वो कहाँ कहाँ पे होगा, स्लाइडिंग एक्शन कहाँ हो सकता है, एक स्क्रीन पर दूसरा, ठीक है ना, इन दो जगहों पे हमारा शेयरिंग होगा, मेंबरशिप से सकते हैं और स्लिपिंग एक्शन होगा, शेयर हिस्ट्री से जनरेट होगी। तो यहाँ पर जब जो फेलियर होगा हम उसको डबल शेयर कहेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्व करते क्या होता है, जब फार्मूला होता है उसमें हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं डबल शेयर की कंडीशन से, ठीक है। तो देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ ए बोल्ट टू शेयर इज कॉल्ड द नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट इन शेयर एंड इज डिनोटेड बाय वी एन एस बी, ठीक है। वी एन एस बी, देखिए यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा N मतलब nominal, ठीक है, B मतलब volt and S coming मतलब यहाँ पे share, ठीक है, nominal share capacity of the volt, ठीक है, and it depends upon the ultimate tensile strength of volt, FUB, FUB का मतलब क्या हुआ, FUB, FUB जो है U means ultimate and B means bolt, ठीक है, ultimate tensile strength of the bolt, ultimate tensile strength of the bolt क्या होती है, जब आपको stress strain curve हमने पाया था, अगर आपको remember हो, तो stress strain curve में हमारे पास ऊपर एक point आता है, curve में, सबसे ऊपर यहाँ पर इस point को जो है अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट जो है FUB से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू भी मैं हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ द शेयर प्लेन्स, द नॉमिनल शैंक एरिया ASB एंड द नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ANB ऑफ द बोल्ट इन ईच शेयर प्लेन। द नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट इज गिवन बाय, इसके लिए फार्मूला है जो कि देखिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, अगर वो सिंगल शेयर में है या डबल शेयर में, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ये फार्मूला हम यूज करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट के लिए सिंगल शेयर के लिए, ए एन बी की जो वैल्यू है वो हम टेबल से रिफर करते हैं कभी कभी, बट जब हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं होगा, आपको रिमेम्बर होगा कि इसके लिए हमने एक स्लाइड में दिखाया था 0.7 8
5 by 4 into d square, ठीक है, ये जो वैल्यू है उसको हमने आपको पहले ही पिछले स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ए एंड बी की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे डायमीटर डी बदलते जाएंगे 16 एम एम 18 एम एम 20 एम एम, तो हमारे ए एंड बी की वैल्यू है फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। एफ यू बी जो है हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है बोर्ड की, जो प्रॉब्लम गिवन भी रहती है और वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते जो है रिमेम्बर हो जाता है, ठीक है। गामा एम बी जो है यहाँ पर फैक्टर ऑफ द सेफ्टी है और द एम बी मतलब बोल्ट मटेरियल के लिए, एम मीन्स मटेरियल एंड बी फॉर द बोल्ट, दैट्स कॉल्ड एम बी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे सिंगल शेयर के लिए। अब अगर डबल शेयर हो रहा है तो इस फार्मूले में, इस पूरे फार्मूले में दो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फार्मूले को, ये चीज आपको रिमेम्बर करके रखनी है। और हम अभी अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके बहुत सारी प्रॉब्लम हम इसमें लेंगे इससे रिलेटेड जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम शेयरिंग स्ट्रेंथ के बाद डिस्कस करते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। बेयरिंग स्ट्रेंथ जैसा कि हमने आपको दिखाया, बेयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रही है, ठीक है। और बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बेयरिंग, दैट्स कॉल्ड वी डी ई बी इज इक्वल टू 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी, ओके। अब इसमें हमारे पास के बी फाइंड आउट करने के लिए जो हम एज पर आईएस 4800/2007 के बी की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम तीन तरह की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है और इन सभी वैल्यूज को लेकर के हम के बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ई अपॉन 3D0 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद P अपॉन 3D0 माइनस 0.25, उसके बाद एफ यू बी अपॉन एफ यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड देन आपके 1.0। इन सभी वैल्यूज को एक एक करके हम निकालते हैं और इसमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू आती है उसी वैल्यूज को हम जो है के बी की वैल्यू कंसिडर करते हैं। देन आफ्टर डी नॉट डायमीटर ऑफ द होल, ठीक है। उसके बाद E जो है वो इन डिस्टेंस है, पेज डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं, और P जो है पिच है, पिच डिस्टेंस, उसकी वैल्यू भी हम मिनिमम 0.5 लेते हैं या एज पर आई एस कोड अगर गिवन नहीं है, जनरली प्रॉब्लम में गिवन होता है बट गिवन नहीं होगा तो हम उसको एज पर आई एस कोड फॉलो करते हैं। अब एफ यू बी जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, दैट्स कॉल्ड एफ यू बी, एंड देन आफ्टर एफ यू, एफ यू जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट होता है। तो कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि एफ यू बी का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट और एफ यू जो है वो हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट है। जब यहाँ पे बी आ जाएगा तो ये बोल्ट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो प्लेट मटेरियल्स के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की बात में कर रहा हूँ, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर के लिए हम डी यूज करते हैं, नॉमिनल डायमीटर मतलब दैट इज ये वो डायमीटर है जो बोल्ट्स का हम यूज करेंगे, उसमें डी नॉट जब आएगा तो डायमीटर ऑफ द होल होल की हम बात करेंगे। डी और डी नॉट के बीच जो है आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, डी नॉट का मतलब हो गया डायमीटर ऑफ द होल एंड डी का मतलब हो गया नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा और तब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एज डिस्टेंस ऑफ कि एज डिस्टेंस कितना कितना लेंगे, कब कब क्या लेंगे। देखिए अगर प्रॉब्लम में नॉमिनल डायमीटर ऑफ द होल जो है 12 एमएम दिया है, तो डायमीटर ऑफ द होल जो है हम यानी कि डी नॉट की वैल्यू जो है वो 13 एमएम लेंगे। ठीक है, अगर 14 एमएम दिया है तो हम यहाँ पर 15 एमएम लेंगे, अगर डी की वैल्यू नॉमिनल डायमीटर 16 एमएम है तो यहाँ पर 18 एमएम लेंगे। यहाँ पर रेशियो थोड़ा चेंज हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस वन का ऐड कर रहे थे, यहाँ पर प्लस वन ऐड हो रहा था, इसका आपको ध्यान देना है। यहाँ 20 एमएम हो जाएगा, यहाँ 20 है तो यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ 22 है तो यहाँ 24 हो जाएगा, 24 तो 26 हो जाएगा, और 27 के बाद जो है यहाँ पर जो डायमीटर काफी ज्यादा हो जाएगा तो इसके नीचे भी प्लस 3 ऐड हो जाएगा। तो डिजाइन करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कब प्लस वन ऐड कर रहे हैं, कब प्लस टू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और कब प्लस थ्री ऐड कर रहे हैं। तो आज हम एक प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आपसे कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए 20 एमएम डायमीटर बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर द फॉलोइंग पीसेस। द मेन प्लेट विल बी जॉइंटेड आर 12 एमएम थिक। अब कंडीशन दिया हुआ है, इनको क्या कैलकुलेट करना है कि 20 एमएम डायमीटर बोल्ट है, ठीक है, जिसका ग्रेड जो है 4.6, बोल्ट का ग्रेड जो है 4.6 है, और द मेन प्लेट विल बी जॉइंटेड आर 12 एमएम थिक। ओके, अब इसमें अलग अलग तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है, सबसे पहले लैग जॉइंट किया है, उसके बाद सिंगल कवर बट जॉइंट किया है, और सबसे लास्ट में डबल कवर और एक एक करके सभी को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर वन वाला लैग जॉइंट्स का। तो लैग जॉइंट्स के लिए कंडीशन देखने पहले हमारे पास जो ग्रेड दिया है FP410, ठीक है, प्रॉब्लम्स में सबसे पहले एज्यूम स्टील ऑफ ग्रेड FP410 इफ नॉट स्पेसिफाइड, अगर मेंशन नहीं है तो आपको ये यूज करना ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसी को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले जो है स्टील की जो ग्रेड है जैसे FU, यानी कि जो स्टील की ग्रेड्स का मतलब क्या हुआ, जो प्लेट्स हम यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है हमारी FU वाला होगा वो 410 मेगा पास्कल होगा, ठीक है। उसके बाद FUB का मतलब हो गया हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, बोल्ट के लिए हम बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगा 400 मेगा पास्कल, ठीक है, 400 मेगा पास्कल। अब फैक्टर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, मटेरियल के लिए देखेंगे तो 1.5 है, ठीक है, ये प्रॉब्लम में गिवन रहता है कि सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल ऑफ बोल्ट, अगर प्रॉब्लम में गिवन नहीं होगा तो आप IS कोड का यूज करके इसको रिफर कर सकते हैं, सेफ्टी फैक्टर को वहां पे आपको मिल जाएगा कि गामा एमबी की वैल्यू जो है सेफ्टी फैक्टर फॉर द बोल्ट मटेरियल कितना होगा। फिर आते हैं ANB, जैसे ANB क्या है, नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ 20 एमएम डायमीटर, इसके लिए तो टेबल गिवन रहता है बट टेबल नहीं गिवन रहेगा, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कभी कभी टेबल नहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे एक मेथड यूज करिएगा, वो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट्स कॉल्ड 0.78 × π/4 × b² ठीक है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर में आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 245 जो वैल्यू यहाँ पे टेबल में दिया है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले द बोल्ट विल बी इन सिंगल शेयर एंड पेज, ठीक है ना, तो जो बोल्ट है वो सिंगल लैग जॉइंट हो रहा है, तो लैग जॉइंट कंडीशन ए की बात कर रहे हैं, कंडीशन ए में क्या कह रहा है कि द मेन प्लेट टू बी जॉइंटेड एट 12 एमएम थिक,
ठीक लैग बैंड, लैग बैंड हो रहा है, लैग बैंड होने पर वहाँ पे जो है बट ऑब्वियस है कि दो प्लेट्स हैं और दो प्लेट्स के बीच जो है वो कभी भी डबल शेयर नहीं होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब दो प्लेट्स को कवर करेंगे या दो प्लेट्स को ज्वाइंट करेंगे लैग ज्वाइंट के द्वारा, इस तरह कुछ कनेक्शन होगा। और जैसे ही आपको फिगर में दिखाएंगे बना करके इसका, यहाँ पर नीचे वीडियो दिखाते हैं बनाने कैसे बनेगा। देखिए एक प्लेट ये होगी और दूसरी प्लेट उसके ठीक ऊपर होगी, ये हो गया लेग जॉइंट कनेक्शन, है ना। यहाँ पर लोड लगा है, इस कंडीशंस में क्या होगा कि इनके बीच जो शेयर फोर्स लग रहा होगा तो मेंबर्स के बीच में वो सिंगल शेयर लगेगा। और सिंगल शेयर के लिए फार्मूला आप जानते हैं वी डी एस बी बराबर इज इक्वल टू नाउ डी मतलब दैट्स कॉल्ड डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड। डी एस बी मतलब डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड इज इक्वल टू ए एन बी इंटू एफ यू बी अपॉन रूट थ्री गामा एम बी। इस फार्मूले का यूज करेंगे और आपको 45.26 का जो है वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड फाइंड आउट हो जाएगा सिंगल शेयर के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं बेयरिंग की, कि हमने पहले ही आपको बोला है कि अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इस बात को मैंने मेंशन किया है कि स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी किसका, शेयरिंग शेयरिंग और बेयरिंग का। और अगर टेंशन भी अवेलेबल है तो हम टेंशन की बात करेंगे, बट जो है वो शेयरिंग और बेयरिंग की मिनिमम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो आप प्रॉब्लम में ब्लैक आते हैं और शेयरिंग और बेयरिंग वैल्यू से कर देते हैं। शेयरिंग की वैल्यू हमारी आ गई 5.26 किलोमीटर की और अब हम जो है बेयरिंग की वैल्यू को फाइंड। बेयरिंग के लिए फार्मूला जो है वी डी बी बी इज इक्वल टू नाउ 2.5 के बी इनटू डी इनटू एफ यू अपॉन गामा एम बी, ठीक है ना। यहां पे एफ यू की वैल्यू लेते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो पहले देख लें। 20 mm डायमीटर बोल्ड है, दैट्स कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर जो है हमारा 20 mm है, डी इसको हम डी से डिनोट करते हैं स्मॉल डी, ठीक है, या डी एन से भी डिनोट करते हैं डी एन मतलब नॉमिनल डायमीटर। ये हमारा 20 mm है, 20 mm डायमीटर बोल्ड के लिए डी नॉट की वैल्यू इस टेबल से देखेंगे, देखिए कितना है 22 है, ठीक है। डी के लिए डी नॉट की वैल्यू 22 है, 22 ले लीजिए आप सबसे पहले वैल्यू। उसके बाद ई जो है उसके लिए आप देखिए ई जो है एज डिस्टेंस, ठीक है, एज डिस्टेंस जो है वो 33 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 mm बोल्ड के लिए। तो आपको ई की वैल्यू भी आ गई। और पिच जो है वो हमने एज्यूम किया है, वो आप एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, मिनिमम जो है 2.5 डी आपको लेना ही है और उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। तो पिच जो है इन्होंने 50 mm यूज किया है, ठीक है, 2.5 डी फार्मूला होता है मिनिमम पिच के लिए। तो मिनिमम आपको 2.5 डी जो है वो तो मिनिमम दे रहे हैं। फिर हम केबी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एज पर जो हमारा फार्मूला जो है उसमें जो है केबी कैलकुलेट करना मस्ट है। और केबी कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको अभी बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये आपको बताया है कि ई अपॉन थ्री डी नॉट, ई अपॉन थ्री डी नॉट माइनस 0.25 और एफ यू बी अपॉन एफ यू एंड 1.0। इन सभी चीज़ों को एज पर आई एस कोड जो है हमको सेलेक्ट करना पड़ता है इसमें से, क्योंकि इस फार्मूले को यूज करके हमको कैलकुलेट करना होता है। आप यहाँ से जो है के बी की वैल्यू से कैलकुलेट कर लेंगे, सब कुछ गिवन डाटा है, सिर्फ हमको उसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास ई की वैल्यू भी है, डी नॉट भी है, ई भी है, डी नॉट भी है, ठीक है,
एफयूबी भी है और एफयूबी है और वन वो अवेलेबल फंड है। यहाँ पे हमसे केबी की वैल्यू सबसे मिनिमम जो आ रही है 0.25 ठीक है, और केबी की वैल्यू निकालने के बाद हम डायरेक्ट फार्मूले में वी डी पी बी में जो है कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बेरिंग ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हम बेरिंग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ फार्मूला था लार्ज किया है तो 2.5 अपनी जगह पर रहेगा, केबी की वैल्यू 0.5 पर करेंगे हम, टी ऐसे नॉमिनल डायमीटर 20 mm ठीक है, टी एफ यू गिवन है ठीक है, और गामा एम बी इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द बोल्ट मटेरियल दैट्स 1.25, और सिर्फ टी की जो वैल्यू है वो यहाँ से आप जो है पुट करेंगे 12 mm ठीक है, क्योंकि हमको जो प्लेट की जो थिकनेस दिया है वो प्रॉब्लम में गिवन है कि 12 mm थिक है, द मेन प्लेट टू बी जॉइंटेड आर 12 mm थिक, ऐसा प्रॉब्लम में बोला है, जो मेन लैग जॉइंटिंग का है कि दो प्लेट कनेक्ट हो रही है 12 mm ऊपर वाली भी है और 12 mm जो है नीचे वाली भी है ठीक है, वहां पर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट विल बी मिनिमम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ, हम मिनिमम स्ट्रेंथ लेंगे किसके लिए, शेयरिंग और बेरिंग के लिए, कि दोनों में इसमें वैल्यू सबसे कम आई है और यहाँ से हम इसके ए पार्ट को ओवर करेंगे। यहाँ पर इस ए पार्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमने एक बार हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाला और दूसरे पार्ट में हमने बेरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया। शेयरिंग और बेरिंग में से जो मिनिमम वैल्यू है वही हमारी उसी वैल्यूज पे हमारा मेंबर फेल होने की फेल होने की नहीं बोल सकते, यही कह सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट जो होगी विल बी मिनिमम ऑफ द शेयरिंग एंड बेरिंग, तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी शेयरिंग और बेरिंग उसको हमको कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज निकल के आ रही है, सबसे पहले शेयरिंग में जब हमने कैलकुलेट किया वो वैल्यू आई है आपकी 45.26 और जब हमने बेरिंग में कैलकुलेट किया वो आ रही है 98.4। तो आपको आप जो नीचे स्टेटमेंट अपने कंक्लूड करेंगे वहाँ पे तो इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट मिनिमम ऑफ द शेयरिंग एंड बेरिंग एंड इट इज 45.26। यहाँ से आपका पार्ट वन कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट वीडियोज में जो है हम इसको इस प्रॉब्लम्स के दूसरे पार्ट पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रह देते हैं, ओके थैंक यू।